Delhi government has come up with the idea that the Delhi private school students can take admission in the Delhi government school and that too without the transfer certificate. And that has raised a controversy in the national capital. I am joined by the NISA president Kulbhushan Sharma. Kulbhushan ji, ye bataiye ki aap logon ki jo sanstha hai, National Independent School Alliance, 5 crore रुपए का दावा आपने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पे ठोका है. आपने कहा है कि इस तरह के आचरण से, इस तरह के व्यवहार से और इस तरह के फैसलों से ना केवल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों का मनोबल टूटता है बल्कि उनकी जेब पे भी एक तरीके से डाका पड़ता है. क्या है पूरा मामला? बिल्कुल आपकी सही बात है कि इस तरह के आचरण से जो आपने शब्द कहा, मैं सबसे पहले उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हैं. क्या वो सरकारी स्कूलों के मंत्री हैं? यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ सरकारी स्कूलों के मंत्री हैं, जैसे लोग कपड़े अपने बाहर ढाबों के बाहर कहते हैं आइए आइए हमारे पास आइए, तो इससे तो उनका आचरण ऐसे दिख रहा है कि वो सिर्फ एक सरकारी स्कूलों के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री नहीं है. अगर वो शिक्षा मंत्री होते तो वो इन बजट प्राइवेट स्कूलों की समस्या को भी जानने की कोशिश करते, उनको बुलाते, अभिभावकों को बुलाते और ये इस तरह का जो एक मैसेज दे देना कि आप आ जाइए टीसी हम ले लेंगे, इससे तो ये शो होता है कि वो सरकारी शिक्षा मंत्री हैं सरकारी स्कूलों के. क्या प्राइवेट या बजट स्कूल के बच्चों का उन पर कोई अधिकार नहीं है? स्पष्ट बात करें ना कि कोई अधिकार नहीं है, उनकी क्वालिटी की उनको चिंता नहीं है. 50% के करीब पूरे हिंदुस्तान और दिल्ली के अंदर बजट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी आम आदमी के बच्चे हैं, आम आदमी के स्कूल हैं. ये पार्टी अपने आप को आम आदमी की पार्टी कहती है, मनीष सिसोदिया जी हम अपने आप को एक सेवक बोलते हैं, तो क्या सेवक इस तरह की बातें करते हैं?